Welcome to Mishika classes. Our today's topic is marketing, and this is our class number 9. And today we are going to discuss about the price mix. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. What is the meaning of price? Price kise kehte hain? Price is defined as the amount or money paid by a buyer in order to purchase product or get the service. प्राइस किसे कहते हैं कि क्या अमाउंट हम दे रहे हैं, कितना मनी हमने दिया है कोई भी चीज को खरीदने के लिए या किसी भी सर्विस को लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड द प्राइस. उसको प्राइस कहा जाता है. किसे कहा जाता है प्राइस? कि कितने अमाउंट हमने दिए, कितने पैसे दिए, तो सो दैट कि हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सके या कोई भी सर्विसेस को ले सके, दैट इज कॉल्ड द प्राइस. इसके अंदर बेसिक प्राइस होता है प्लस डिस्काउंट्स ऑफर्ड. इट इंक्लूड्स बेसिक प्राइस एंड द डिस्काउंट्स ऑफर्ड. What are the factors that determines the price determination? कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि प्राइस कितना होना चाहिए किसी का? The first is the product cost. सबसे पहले निकल जाएगी प्रोडक्ट की कॉस्ट. What is the product cost? Product cost में सबसे पहले होता है प्राइस. प्राइस में क्या होगा? All the costs, जितनी भी उसमें खर्चा आया, that plus the fares. Fares में कौन से include करते हैं? The market efforts and the risk. कि मार्केटिंग में हमने जब उसको जो भी मार्केटिंग करने के लिए, जो भी सामान लाने के लिए हमने जो उसमें दिया वो, प्लस उसमें कितना रिस्क रहा था, सो दैट कि भी हमारा ये सामान खराब हो सकता है या जो भी है, वो सब कुछ इंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट कॉस्ट. कॉस्ट, अब कॉस्ट में क्या क्या चीज आएंगी? फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग, द डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड द सेलिंग. कौन कौन सी कॉस्ट होती है? प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग. नेक्स्ट वन इज द फ्लोर प्राइस. फ्लोर प्राइस क्या होता है? द फ्लोर प्राइस इज दैट मिनिमम वैल्यू एट विच अवर प्रोडक्ट इज सोल्ड. फ्लोर प्राइस किसे कहा जाता है? फ्लोर प्राइस उस वैल्यू को कहा जाता है कि इससे नीचे तो हम बेच ही नहीं सकते. मींस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का जो मिनिमम वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड द फ्लोर प्राइस. एंड द प्रोडक्ट रिकवर द कॉस्ट इन लॉन्ग टर्म्स, नॉट इन द शॉर्ट टर्म्स. जो भी हमारे इस पे कॉस्टिंग आती है, जैसे फेयर के चार्जेस हो गए, रिस्क हो गया, एडवर्टीजमेंट्स के लिए जो भी होते हैं, वो कभी भी शॉर्ट टर्म में इन लोग नहीं कंसीडर करते. वी आर टेक दैम इन द लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में हम लेके चलते हैं कि ये जो भी हमारे जो भी एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर या मार्केटिंग में जो भी हमारा फंड्स लगे हैं उसके ऊपर, दैट वी विल रिकवर आउट इन द लॉन्ग टर्म. तो जो उसका जो टोटल होता है वो हम लोग लॉन्ग टर्म को लेकर फिर उसमें हम लोग जो फेयर में प्राइस अपनी कॉस्टिंग में ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट कॉस्ट. इसी को क्या कहता है? प्रोडक्ट कॉस्ट का. नेक्स्ट इज द यूटिलिटी एंड द डिमांड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? यूटिलिटी मीन्स द प्रोडक्ट. यूटिलिटी किसे कहा जाता है? प्रोडक्ट को कहा जाता है. एंड व्हाट इज द डिमांड? डिमांड इज द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस. प्राइस की जो सबसे ऊपर की लिमिट जो सेट कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द डिमांड. कि भैया दिस इज द मैक्सिमम MR, जिसको हम कहते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, कि भैया इससे ऊपर से उसकी डिमांड जाएगी, दैट इज द अपर लिमिट. वो सबसे जो सबसे ज्यादा लिमिट होती है, मीन्स इससे ऊपर तो आपका प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते हो, दैट इज कॉल्ड द डिमांड. व्हाट इज द यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स द प्रोवाइड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है. और डिमांड क्या बताता है? डिमांड बताया जाता है द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस. प्राइस की अपर लिमिट को बताया जाता है. नेक्स्ट इज द बायर. बायर पे टू पॉइंट वेयर यूटिलिटी इज मोर और इक्वल टू ड्राइव. बायर कितना देता है? या तो वो जो यूटिलिटी होती है, जो प्रोडक्ट है, उसको कितना ड्राइव किया गया था, उसके अकॉर्डिंगली ही बायर सब पैसे ले सकते हैं. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ द डिमांड. लॉ ऑफ द डिमांड क्या कहता है? दैट इज इक्वल टू द कंज्यूमर प्रेज परचेज मोर एट लेस प्राइस. कि कंज्यूमर कितने में उसको खरीदना चाहता है, कितने कम से कम में उसे खरीदना चाहता है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द डिमांड. इलास्टिक ऑफ द डिमांड. व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड? दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिवनेस. इलास्टिसिटी मींस क्या रिस्पॉन्स आया उस डिमांड के ऊपर, जो आपने वैल्यू दी थी उसके ऊपर क्या डिमांड के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. नेक्स्ट इज द इनइलास्टिसिटी. कि प्रोड्यूसर ने जो भी था हाईर प्राइस फिक्स कर, जिसकी वजह से वो नहीं सेल्ड आउट हो, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या आ जाता है? जो रिस्पॉन्स हमें मिला, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. और इनइलास्टिसिटी किसे कहा जाता है? कि उसके ऊपर जो भी हाइयर कॉस्ट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द इनइलास्टिसिटी. नेक्स्ट इज द कंपटीशन इन द मार्केट. जब भी कोई भी प्रोडक्ट को हम सेल आउट करते हैं, तो इट मस्ट यू मस्ट नो व्हाट योर कंपटीटर आर गेटिंग. कितना आप कंपटीटर ले रहे हैं? Before fixing the price, know the price of the competitor. Competitors के price को इसको पहले जान लो. Next is government policies. What are the government policies? The price regulation, which is done as per the government rules.
गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट पॉलिसी. ऐसा नहीं है कि हम किसी की भी चीज की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं. ऑल द वैल्यूज आर फिक्स बाय द गवर्नमेंट ओनली. सभी वैल्यूज को गवर्नमेंट ही फिक्स करती है. हाँ, उसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम एक लिमिट तक हम एक्सटेंड और कम कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट. दैट इज कॉल्ड द प्राइस रेगुलेशन. प्राइस रेगुलेशन हमेशा ही गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली ही की जाती है. That's all for the today's class. Next, we are going to discuss about the next P, that is a place mix. Thank you.